नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें गारंटी है कि दोस्तों 5 से 6, 7, 8 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाती है। मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है, यानी कि मानव के आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार का नियंत्रित करने वाला होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है तो क्या होता है, सेलियरी पेशियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है सेलियरी पेशियां। अगला प्रश्न है, आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी पदार्थ को कहते हैं। आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी पदार्थ को कहते हैं तो कॉर्निया। क्या कहते हैं, आंख के बीच वाली पारदर्शी पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं, आंख में कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य आँख के रेटिना दृश्य पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि सामान्य आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। सामान्य आँख के रेटिना दृश्य पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समझन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के वर्ण की। अगले प्रश्न क्या, प्रश्न है निकट दृष्ट दोष वाले चश्मे में होता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकट दृष्ट दोष वाले चश्मे में होता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूर दृष्ट वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूर दृष्ट दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्ट दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। दूर दृष्ट को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है दोस्तों तो 25 cm, अगर अधिकतम पूछता है तो अनंत हो जाएगा। सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है डू फोकसीय। ऑप्शन नंबर डी सही है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है डू फोकसीय। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है,
दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है उसे वह होता है हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण से हजामत बनाया जाता है। अगला है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न था जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण, याद रखिएगा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करते हैं वह होता है दर्पण, उसको क्या कहते हैं दर्पण। जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 24। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 12 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछे तो दुगुनी, अब फोकस दूरी पूछे तो आधी होगा, यानी कि 12 का आधा होता है 6 हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 cm। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 cm। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी जब भी पूछेगा दोस्तों तो उसका आधा कर दिए, और वक्रता त्रिज्या पूछे तो दुगुना कर दीजिए। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है तो आधा हो जाएगा यानी कि 20, याद रखिएगा फोकस दूरी पूछे तो आधा, वक्रता त्रिज्या पूछे तो दुगुना कर दीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने का प्रतिबिंब होगा तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण से 5 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु बीम है तो आवर्धन होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अवतल दर्पण क्या है, अभिसारी, याद रखिएगा अवतल दर्पण है अभिसारी, और उत्तल दर्पण अपसारी, ठीक है याद रखिएगा अवतल दर्पण है अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न होता है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, निष्कर्षीय गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न है विद्युतीय शक्ति का SI मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट बराबर होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा यूनिट बराबर होता है तो 1 किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टीन
टीन के मिश्र धातु का, तांबा और टीन के मिश्र धातु का। अगला प्रश्न है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा रहता है तो बल्ब से प्रभावित धारा को मान होता है। तो देखिए धारा बराबर 100 वाट और 250 वाट। देखिए 100 वाट और 250 वाट दोनों को भाग देने पर कितना आ गया, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। धारा बराबर होता है वाल्ट बटे वाट, वाट बटे वाल्ट। अगला प्रश्न है, चित्र देखिए इस, चलिए इसको दोस्तों, चलिए प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, याद रखिएगा विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। दोस्तों ये सब याद रखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अगला प्रश्न है, समान मान के चार प्रतिरोध के समूह का समतुल्य 8 ओम है तो प्रत्येक ओम का मान कितना हो जाएगा, तो 2 ओम हो जाएगा। दोस्तों ये सभी बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि बिहार बोर्ड विज्ञान में आपको पूछे जाएंगे। हो सके तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।